हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो ये है एपिसोड नंबर 3 ऑफ लॉकडाउन सीरीज, इन विच वी आर गोइंग टू परफॉर्म डिफरेंट वर्कआउट्स। जैसे कि लास्ट दो वीडियो में हमने अपर बॉडी वर्कआउट करा था, और इस वीडियो में हम करने वाले हैं लोअर बॉडी, जिसमें हम अपनी लेग्स, इन विच हमारे क्वाड्स, हमारे हैमस्ट्रिंग, हमारे ग्लूट्स और हमारे डेफिनेटली काफ मसल ट्रेन होने वाले हैं। तो थोड़ा इंटेंस होगा, बिगिनर्स भी कर सकते हैं, इंटरमीडिएट भी कर सकते हैं। तो क्योंकि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो मैंने वर्कआउट रखा हुआ है, पर जो थोड़े एडवांस हैं, इंटरमीडिएट है, जिनके स्ट्रॉन्ग्स हैं, जो काफ़ी देर से वर्कआउट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक दो मैंने ऐसी एक्सरसाइज डाली हुई है बीच में, जो थोड़ा एक चैलेंजिंग बनाएगी वर्कआउट को। तो यही है, पहला आज हम करते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन तो हो गई तुम्हारे पिछले व्लॉग में, पिछले वीडियो में हमने मेडिटेशन करा था, जो कि कल किया था, कल या परसों। हाँ, और अब हम करने वाला योगा, क्योंकि मैं ऑल्टरनेट डेज पर ये करने वाला हूँ, एक दिन योगा, एक दिन मेडिटेशन, जस्ट फॉर अ सेक ऑफ अ चेंज। छत पर चलते हैं, क्योंकि छत पर अच्छी हवा चल रही होगी और योगा करने का मज़ा छत पर ही है। तो लेट्स गो। Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. तो गाइस, डन विद द योगा सेशन। योगा सेशन में 4 से 5 आसन करे मैंने, और जिसमें से मेरा फेवरेट था सूर्य नमस्कार। तो मैं आपको खुद रिकमेंड करूँगा कि अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो तो सूर्य नमस्कार के कम से कम आप 15 से 20 रेप्स अगर डेली करेंगे, 15 से 20 सूर्य नमस्कार आप डेली करेंगे लगातार, तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है घर पर। अगर आप बिगिनर और वर्कआउट करना आपको पसंद नहीं है, एटलीस्ट सूर्य नमस्कार कीजिए, पूरी बॉडी इन्वॉल्व होगी और पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग अच्छे से होगी, तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं इसके। आगे आपने वर्कआउट करना है, जो मैं करता हूँ वर्कआउट, होम वर्कआउट आपने अब करना है ना करे वो आपकी मर्ज़ी, बट सूर्य नमस्कार डेफिनेटली करना। तो गाइस, अब हमारा टाइम हो गया हमारा ब्रेकफास्ट खाने का। ब्रेकफास्ट में वही होगा जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, 4 अंडों का ऑमलेट और 4 रोटियाँ, और ऑमलेट में से 2 होल और 2 एग वाइट्स होंगे, और साथ में शायद कॉफ़ी लूँ या ना लूँ उसका पता नहीं, टिपिकल होने वाला है जैसे पिछली बार था वैसे इस बार भी होगा होने वाला है। और आज इंटरेस्टिंग ये होने वाला है कि आज का प्री वर्कआउट मील थोड़ा अलग होने वाला है बाकियों से, जैसे मैं डेली जो लेता था उससे थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि आज थोड़ा कुछ अलग से क्रेविंग हो रही थी, कुछ जंक बोल रहे हैं, जंक फूड फास्ट फूड टाइप ऐसा खाने की, बट मैंने फास्ट फूड खाया नहीं, उसको फास्ट फूड टाइप में बनाया इन हेल्दियर वे। तो गाइस, स्टे कनेक्टेड और मिलते हैं एंड पे। धूप बहुत तेज़ हो रही है, ठीक है। How did I not see you running? How did I get behind? How did I not see this coming? Guess all you left me running.
done with the workout. देख सकते कितने कितने सपोर्ट था। ये जो मैंने करा है पूरे सर्किट में करा था, अब पूरे सर्किट को करना है। ये पूरी बिट से जितने गैप से नाम है, और इससे कि आपने 8-10 रेपिटेशंस लगाने हैं तो ही जाके इंटेंस वर्कआउट हो पाएगा लेग्स के लिए, क्योंकि घर पे लेग्स को ट्रेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लेग्स जो है वो काफ़ी बड़ा मसल होता है हमारे बॉडी पार्ट का, जिसको ज़्यादा इंटेंसिटी से हमें ट्रेन करना पड़ता है उसको डेवलप करने के लिए। तो ये द वर्कआउट, होम वर्कआउट कोई भी फॉलो कर सकता है इसको, और आप भी फॉलो करना। अभी वर्कआउट ख़त्म, अब आ रही हमारी पोस्ट वर्कआउट मील की। इसमें प्रोटीन शेक नहीं होने वाला, ना कोई मैंगो शेक होने वाला, इसमें कुछ अलग होगा। जो बोलते हैं कि डब्बे खा के बॉडी बनाइए, वो नहीं है, सीधा खाना भी हम खाते हैं। मिलता हूँ पोस्ट वर्कआउट मील पे। तो गाइज अपना पोस्ट वर्कआउट मिलते आ रहा है, 3 चिकन सैंडविचेस, थोड़ा सा केचप भी है, और साथ में कॉफ़ी पी रहा हूँ भी है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि अगर वे प्रोटीन नहीं हो तो भी एक अच्छे डाइट के साथ चिकन आप बॉडी भी बना सकते हो, आप अपने आप को फिट रख सकते हो। तो बस आपको ना हेल्दी ऑप्शन ढूंढने की ज़रूरत है अपने आसपास। जो वेज नहीं खाते वो सॉरी जो नॉन वेज नहीं खाते, वैसे तो सारे खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते वो सोया चंक्स का ऐसे क्रश करके बना सकते हैं, वो सैंडविच की तरफ से ले सकते हैं। तो ऑप्शन बहुत है, बस आपको थोड़ा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है, आपको बस एक सोर्स ढूंढना है। मतलब कि अगर आपने वो पॉइंट ग्रैब कर लिया ना जहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि हेल्दी फूड बनाने का की पॉइंट क्या है, तो आप किसी भी फूड में सब कुछ भर सकते हैं, किसी भी खाने को, किसी भी फूड आइटम को हेल्दी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके पास कोई नई रेसिपी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे कमेंट कर मैसेज करके समझा सकते हैं, बता सकते हैं, कोई वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कोई भी चलेगी रेसिपी, ज़रूरी नहीं है सैंडविचेस की, खाने की, शेक्स की, कोई ड्रिंक होगी नॉर्मल ड्रिंक उसकी भी चलेगा, बस हेल्दी होनी चाहिए जो किसी भी तरह हमारी बॉडी में फालतू कैलोरीज ना डाले, और उसमें सारी इंग्रेडिएंट्स जो हो प्रोटीन नहीं हो चलेगा, मिनरल्स होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, चलेगा, अपनी बॉडी के लिए हेल्दी है तो चलेगा। तो गाइस ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, सेफ रहिए।